खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का ऐलान किया था, जिसके बाद इस पैकेज पर लगातार सवाल भी उठने लगे हैं। कांग्रेस का मानना है कि आर्थिक पैकेज जीडीपी का 10 फीसदी नहीं बल्कि 1.60% है। यही नहीं, यह पैकेज अर्थव्यवस्था की तात्कालिक चिंताओं को दूर करने में सक्षम नहीं है। अब अर्थशास्त्री और दिग्गज रेटिंग एजेंसियां भी राहत पैकेज पर सवाल उठाने लगी हैं। हाल ही में अर्थशास्त्री उदय थरार ने भी इस पैकेज को लेकर ट्वीट किया है। थरार ने घरेलू और ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों और बैंकों का हवाला देते हुए कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देश की जीडीपी का महज 1% है। दिग्गज रेटिंग एजेंसियों और बैंकों ने भी इस पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। तो आर्थिक पैकेज पर अब जो सवाल हैं वो उठने लगे हैं। जिस तरह से इस पैकेज को बताया गया कि ये बड़ा पैकेज एक तौर पर विकास में बड़ा योगदान देगा, उस तबके तक मदद पहुंचेगी, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस आर्थिक पैकेज को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। रेटिंग एजेंसियों ने अब इस पैकेज पर सवाल उठाए हैं, अलग अलग जो रेटिंग एजेंसियां हैं। तो जिस तरह से एक बड़ा आर्थिक पैकेज दिया गया था, लेकिन उस पैकेज को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा, लेकिन अब बड़ी बात इसमें यह है कि जो रेटिंग एजेंसियां हैं उन्होंने भी इस आर्थिक पैकेज को लेकर सवाल उठाने शुरू किए हैं।